ग्राम सभा का आयोजन में कम से कम हमारा जो जितने भी सदस्य, अच्छा एक चीज बताना भूल के मैं आपको, कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं, यहाँ पे किनको बैठने का अधिकार है। तो उसके सदस्य वही होते हैं कि उस ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में दर्ज सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ के जितने भी वोटर हैं, उस ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर हैं, वो सभी जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो गणपूर्ति में टोटल जितने भी सदस्य हैं, वोटर हैं, उनका 20वां भाग से गणपूर्ति होता है। 20वां भाग मीन्स 5% टोटल कुल सदस्य के 5%, जिसको हम लोग 20वां भाग से हमारा गणपूर्ति होता है। अगर मुखिया जी को ये लगे कि हमारा गणपूर्ति नहीं हो रहा है, तो वो अभाव है, जितना होना चाहिए हमारा वो उनको पता होता है कि उनके कितने टोटल उनके ग्राम पंचायत का वोटर है, उसका 5% कितना है, कितना होना चाहिए, और उतना सदस्य अभी नहीं उपस्थित हुए हैं। तो मुखिया जी 1 घंटा इंतजार करेंगे, और 1 घंटा तक अगर गणपूर्ति नहीं होता है तो उस बैठक को स्थगित कर देंगे, और अगला स्थगित करने के बाद अगला ग्राम सभा जो है वो अगले सप्ताह के उसी दिन आयोजन करेंगे। मतलब उसी दिन का मतलब कि अगर सपोज आज मंडे है, आज ग्राम सभा का आयोजन होना था और किसी वजह से आज ग्राम सभा का आयोजन स्थगित हो गया कोरम के अभाव में, तो अगला ग्राम सभा का आयोजन मंडे को ही होगा, नेक्स्ट मंडे को होगा। समय भी वही रहेगा, स्थान भी वही रहेगा, और एजेंडा भी वही रहेगा। एजेंडा में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर किसी वजह से स्थान पूर्व में स्थान जो था वो नहीं होता है, दूसरा स्थान हमको चेंज करना पड़ रहा है, तो इसका पूर्व जानकारी हमको अपने सदस्यों को देना अनिवार्य है। ये हमारा हो गया। अगले अगले हफ्ता जो होगा कैंसिलेशन के बाद जो दूसरा ग्राम सभा होगा, उसमें कोरम हाफ हो जाता है, मतलब 40वां भाग मीन्स 2.5%, उससे हमारा कोरम पूरा होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ग्राम सभा में 5/20 भाग, और गणपूर्ति के अभाव में अगर दूसरा ग्राम सभा होता है तो उसमें 40वां भाग से हमारा गणपूर्ति होता है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे, 6 सेक्शन 6 में कहता है पीठासीन पदाधिकारी, मतलब ग्राम सभा का अध्यक्षता कौन करेंगे। ग्राम सभा का अध्यक्षता नेचुरल है कि मुखिया जी करेंगे, अगर मुखिया जी नहीं रहते हैं उनके अनुपस्थित में उप मुखिया करेंगे, किसी वजह से उप मुखिया भी उस दिन अनुपस्थित रहे तो ग्राम सभा कैंसिल नहीं होगा, ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। आपस में ग्राम सभा में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा बहुमत के आधार पे, अगर सब सम्मान से नहीं हो तो बहुमत के आधार पे किसी को चुन लिया जाएगा, वो ग्राम सभा का अध्यक्षता करेंगे, और जैसे ही ग्राम सभा खत्म, उनका अध्यक्षता खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो केवल उसी प्रयोजनार्थ, उसी ग्राम सभा के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 7, कहता है विषय वस्तु, ग्राम सभा की विषय, विचारणीय विषय, ग्राम सभा में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए किस चीज़ पे। तो नेचुरल सी बात है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट यही होता है, उसका विषय वही होता है कि जैसे कि जो भी ग्राम पंचायत का सरकार का योजना चल रहा है उस योजना के बारे में हम लोग रखेंगे, विषय में रखेंगे, उसका सब्जेक्ट होता है। हम लोग को वार्षिक बजट बनाने का है सब्जेक्ट, वो भी रखना है। वित्तीय वर्ष का जो भी लेखा जोखा है उसके बारे में हम लोग रखेंगे। पिछला ग्राम सभा में क्या निर्णय लिया गया है, उस पर क्या अपडेट है, प्रगति है, वो चर्चा रखेंगे। निगरानी समिति का प्रतिवेदन से क्या आया है वो रखेंगे हम लोग। वार्ड सभा से क्या अनुशंसाएँ हैं वो रखेंगे हम लोग। तो यही सब सब्जेक्ट होता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है कि हर एक में रखना है, कुछ कुछ चीज़ अलग से होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं बता दूँ, जब हम लोग 15 दिन पहले नोटिस निकालते हैं तो ग्राम सभा का प्रस्ताव उसमें लिखना होता है नोटिस में, ये ग्राम सभा का क्या क्या प्रस्ताव होगा, किस किस चीज़ पर, ये किस किस प्रस्ताव पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाना होगा, ये नोटिस में लिखना होता है। तो विषय क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ पे ग्राम सभा अपना सब्जेक्ट रखेगा, ये सब्जेक्ट होता है जितना मैंने बताया आपको। सेक्शन 8 कहता है संकल्प, रिजोल्यूशन,
जो विचारणीय विषय हमारे ग्राम सभा को दिया गया है उस पर किसी भी विषय पे ग्राम सभा को संकल्प लेने का अधिकार है, मतदान के द्वारा संकल्प ले सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है हमारे अधिनियम में, जो हमारा सेक्शन 8 कहता है। सेक्शन 9 कि ग्राम सभा का क्या कृत्य है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है वही कृत्य भी हो गया, जो विषय है वही उसका अधिकार हो गया। कुछ कुछ चीज़ कंपलसरी होता है जो करना ही होता है, जो मैंने बताया कि निगरानी समिति का प्रतिवेदन पे चर्चा करेंगे, वार्ड सभा से जो अनुशंसाएँ हैं उस पर बात करेंगे, ये उनका काम है, ये कंपलसरी काम है। लास्ट जो ग्राम सभा हुआ था उस पर जो निर्णय लिया गया था उसमें क्या अभी तक प्रगति है ये जरूर रखेंगे। जो लास्ट योजना में और जो व्यय हुआ है, जो खर्च हुआ है, एक्सपेंसेस हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो ये सब जो हमारा ये ग्राम सभा का ये सब सारे कृत्य हैं। ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि 7 सेक्शन 7 और 9 ऑलमोस्ट सेम ही है, जो विषय है वही हमारा कर्तव्य है, वो ग्राम सभा का कृत्य भी होता है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 10 निगरानी समिति। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर के प्रथम त्रिमासिक ग्राम सभा जो जैसे स्टार्ट होता है, वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, उसका जो पहला ग्राम सभा होगा उस ग्राम सभा में हम लोग निगरानी समिति का गठन पे हम एक सब्जेक्ट रखेंगे और निगरानी समिति का गठन करते हैं। निगरानी समिति ये हर एक वार्ड लेवल पर बनता है संगठन। निगरानी समिति हर एक वार्ड लेवल पे होता है, हर एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का एक अपना निगरानी समिति होता है और उसका इसी जो पहला जो वित्तीय वर्ष के प्रथम जो त्रैमासिक ग्राम सभा होता है उसमें उसका गठन किया जाता है और ये हर एक वार्ड लेवल पे होता है। ये एक 11 सदस्यीय एक समिति होता है, इनका काम है ये 11 सदस्य समिति होता है, जो इसमें 11 सदस्य कौन होते हैं बताते हैं। इसमें कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई भी होंगे उस वार्ड से, चूंकि हर एक वार्ड लेवल पर होता है तो उस वार्ड से कोई भी एक गणमान्य पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे। और इनका काम होता है जो ग्राम सभा के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है या वार्ड सभा के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसका क्या प्रगति है उस पर इनको रिपोर्ट ग्राम सभा को देना होता है, वार्ड सभा में भी डिस्कस करना होता है और ग्राम सभा में अपना प्रतिवेदन रखना होता है। इनका काम है कि ये ग्राम पंचायत को सहयोग करेंगे, ये मुखिया जी को सहयोग करेंगे, उनके कामों को ये याद दिलाएंगे कि मुखिया जी आपने लास्ट ग्राम सभा में इस योजना को लिया था, अभी तक आपने इस पर क्या कार्रवाई किया है। ये कोई उनके डराने धमकाने के लिए समिति नहीं बनाया गया है, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है कि सहयोग करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 10 तक था हमारा ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा इसके बाद हम आते हैं अब ग्राम पंचायत के बारे में। अब ये जो सेक्शन 3 से लेकर 10 तक था इसमें आप लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और मैं अब उसी सेक्शन को टच करूँगा जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। सेक्शन आप इसे नोट करते जाइएगा। सेक्शन 11 कहता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा, किसी भी ग्राम पंचायत का क्षेत्र का घोषणा जो है वो जिलाधिकारी जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाता है और किसी भी ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है वो 7,000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। मतलब पूछ देगा आपसे कोई कि ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो कितने की जनसंख्या होता है, तो 7,000 आप लोग याद रखेंगे, 7,000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत का संरचना कैसे होता है तो मैंने बता दिया कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुखिया जी होते हैं और उसके जितने भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं वार्ड हैं उसके वार्ड से सभी निर्वाचित एक वार्ड सदस्य से मिलके ग्राम पंचायत का संरचना होता है, ये दो होते हैं। सेक्शन 13 कहता है स्थान कार्यक्षम, हम लोग को डिस्कस नहीं करना है इस पर, आपको पता है कि 50% हम लोग SC ST और BC को देते हैं और हर एक कोटी में 50% महिला का आरक्षण है। अभी हम लोग का जो 2006 के बाद जो इलेक्शन हुआ है वो इसी आरक्षण पर आधारित हमारा इलेक्शन हुआ है, डिटेल इसमें नहीं जाएंगे, आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग अच्छा हाँ एक चीज़ और बता दें कि जैसे आप निगरानी समिति का जब गठन करेंगे जब होता है तो निगरानी समिति में क्या है कि अगर वो वार्ड जिस तरीके से हम इलेक्शन का प्रोसेस में हम लोग आरक्षण डालते हैं
तो वार्ड जो निगरानी समिति का जो होता है 11 मेंबर, तो अगर उपलब्धता के हिसाब से अगर वो वार्ड में अगर मिक्स कम्युनिटी है तो उसका फिर सिलेक्शन इसी आरक्षण पे बेसिस पे होता है कि 50% SC ST BC होंगे और उस 50% में फिर महिला होंगे। अगर कुछ कुछ वार्ड ऐसे होते हैं कि मान लीजिए वहाँ केवल एक कम्युनिटी है, वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे 50-50 हो जाएगा, 50 महिला हो जाएंगे, 50 ये हो जाएंगे, तो ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। उस पर हम आते हैं सेक्शन 14 में, ग्राम पंचायत की अवधि, अगर किसी वजह से किसी ग्राम पंचायत को विघटन ना कर दिया गया हो तो 5 साल के लिए उसके प्रथम मतलब इलेक्शन के बाद से प्रथम मीटिंग जो होता है तब से लेकर 5 साल तक के लिए उनका कार्यकाल है, ना कि उससे अधिक का, 5 साल तक के लिए। मुखिया व उपमुखिया के निर्वाचन, उस ग्राम पंचायत के निर्वाचक, किसी भी ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में दर्ज व्यक्ति को डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से मुखिया के इलेक्शन लड़ सकते हैं, और जितने भी वार्ड मेंबर होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, जितने भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं जिसको वार्ड मेंबर बोलते हैं, वो जब आपस में किसी एक को उप मुखिया चुनते हैं, और उप मुखिया का चुनाव में मुखिया भी एक मतदाता होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 16 में, मुखिया और उप मुखिया की पदावधि, जब तक वो ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में है तब तक उनका, अगर बीच में उनको किसी वजह से हटाने दिया जाता है तब तक वो मतलब 5 साल के लिए हो गई है, अगर किसी वजह से उन पर कोई आरोप, कोई अभियोग, कोई अविश्वास प्रस्ताव या खुद त्याग पत्र ना दे दे तो उनका भी कार्यकाल 5 साल के लिए होता है जब तक वो ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। उसमें आता है 16 को, इसमें है कि हमारा मुखिया उप मुखिया जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको कुछ हम लोग भत्ता देते हैं, कौन में 16 कौ में कहता है भत्ता देते हैं जनप्रतिनिधि को, तो मुखिया जी को पता होगा कि मुखिया जी को हम लोग 2500 रुपया मासिक भत्ता देते हैं, उप मुखिया को 1200 रुपया देते हैं, और वार्ड मेंबर को ग्राम पंचायत सदस्य को 500 हम लोग 500 रुपये मासिक भत्ता देते हैं, ये विभाग के द्वारा उनको दिया जाता है। सेक्शन 17 में आता है मुखिया उप मुखिया का कर्तव्य कार्य, क्या उनका काम है मुखिया और उप मुखिया का, तो मुखिया जी का सबसे पहला काम है कि ग्राम सभा का आयोजन करना, उसका अध्यक्षता करना, उसका उनका है ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना, उसका अध्यक्षता करना, उसके बाद ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी कर्मी हैं उस पर प्रशासनिक कंट्रोल मुखिया जी का होता है। हमारे जब एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमारा सेक्शन 162 में लिया हुआ है कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उसमें जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी DDC का जो अधिकार है अपने एम्प्लॉय पे जो उनका अधिकार है, और ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी मतलब BDO साहब का जो अधिकार है अपने कर्मी पे, वही सेम अधिकार मुखिया जी को है कि पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे जितने भी कर्मी हैं सरकारी कर्मी हैं उस पे कंट्रोल मुखिया जी का होता है, मतलब पंचायत सचिव का एब्सेंटी भेजना मुखिया जी का काम है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये उनका कर्तव्य हो गया। उसके बाद जो योजनाएं हैं जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बताना, जितने भी आपका रजिस्टर है, चेकबुक है, वित्तीय अधिकार भी उन्हीं का है, तो ये सब उनका कार्य और कर्तव्य है। अच्छा, उप मुखिया क्या है कि जब तक मुखिया जी कार्य में है तब तक उनका कुछ नहीं है, जैसे मुखिया जी हटते हैं तो मुखिया जी का सारा कार्य उप मुखिया देखेंगे। जब तक मुखिया जी क्रियाशील हैं अपने ग्राम पंचायत में उपलब्ध हैं तब तक इनका कार्य साइलेंट रहता मूड में रहता है, और जैसे मुखिया जी चले जाते हैं किसी वजह से त्यागपत्र दे दें, पदच्युत हो जाए, किसी कुछ भी दुर्घटना हो जाए, उनके जाते ही उप मुखिया उनके सारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, जो जो काम मुखिया जी करते हैं वो सारा कार्य उप मुखिया के द्वारा किया जाएगा। ये हमारा सेक्शन 17(2) में है। उसके हम आते हैं 18 में, इसमें मुखिया या उप मुखिया का त्यागपत्र या हटाया जाना, मुखिया जी को जब भी डील करेगा अपना त्यागपत्र वो DPRO साहब को दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर जिला पंचायत पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र वो स्वलिखित खुद हाथ से लिख के वो दे देंगे, और अगर वो देने के दिन से 7 दिन के अंदर अपना त्यागपत्र वापस नहीं लेते हैं तो
सातवें दिन के बाद से उनको अपने पद से रिक्त समझा जाएगा। मतलब मुखिया जी और उप मुखिया जी दोनों अपना त्यागपत्र डीपीआरओ साहब को देंगे। एक ये तरीका हो गया। दूसरा हमारा है 18(4) सेक्शन 18(4) में कि अविश्वास प्रस्ताव, मुखिया जी पे हम लोग अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, मैं फटाफट बोल देता हूँ कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनके द्वारा एक लिखित आवेदन में और उसके 20% जो हमारे वोटर हैं मतलब सदस्य हैं उनके सिग्नेचर से एक आवेदन डीपीआरओ साहब को दिया जाता है कि हमारे अपने मुखिया पे अविश्वास प्रस्ताव लाना है। ये पत्र मिलने के 15 दिन के अंदर में ये सारा कार्यक्रम डीपीआरओ साहब आते हैं उस ग्राम पंचायत में, फिर एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग के बाद एक इलेक्शन होता है फिर से, उसमें इलेक्शन जैसे जिस टाइम निर्वाचन के टाइम में होता है मुखिया जी का, उसी टाइप से यहाँ भी होता है। दो मत पत्र रखे जाते हैं, एक फेवर में अविश्वास के फेवर में, एक अगेंस्ट में, और उनके अविश्वास के फेवर में, अविश्वास के फेवर में अगर कुल सदस्य के 50%+1 मतलब अगर किसी ग्राम पंचायत का वोटर लिस्ट सदस्य जो मतदाता हैं उनका अगर 7,000 है मतदाता, तो 3,500+1 मत फेवर में अगर जब गिरेगा अविश्वास के फेवर में, तो उनका उस दिन से अपने पद से रिक्त माना जाएगा। तो ये उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। उसके बाद एक सेक्शन 18(5) में है, अगर सेक्शन 18(5) में है कि अगर किसी वजह से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो काम करने में सक्षम नहीं है, या किसी आपराधिक मामले में 6 महीना से अधिक वो फरार हैं, तो उनको अपने पद से रिक्त समझा जाता है ये 18(5) में, और उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है उनको हटाने का। उसका हम आते हैं इनका उप मुखिया का। उप मुखिया पे अगर लाना होता है तो जितने भी हमारे सदस्य हैं वो उनको भी साधारण बहुमत से मतलब टोटल जितने भी कुल संख्या है उसके 50%+1 के बहुमत से उनको भी हम लोग हटा सकते हैं उप मुखिया के पद से। तो ये हमारा सेक्शन 18 है। उसका आते हैं सेक्शन 19 ग्राम पंचायत के सदस्यों का त्यागपत्र। जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनको जब कभी भी त्यागपत्र देना होगा तो वो मुखिया जी को लिख के अपना त्यागपत्र दे देंगे, और वो भी उसी तरीके से कि 7 दिन के अंदर में अगर वापस नहीं लेते तो उसको माना जाएगा। एक चीज़ में आप सेक्शन 18 में एक चीज़ भूलना मैं भूल गया, एक चीज़ बताता हूँ कि मुखिया जी पे कभी भी अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा तो शुरू के 2 साल नहीं लाया जाएगा और अंतिम के 6 महीना, मतलब जब जीत के जाते हैं तब से लेकर 2 साल तक उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और लास्ट के 6 महीना में उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। मतलब 5 साल में 2.5 साल नहीं लाया जाएगा, रिमेनिंग टाइम में केवल 1 बार, और 2.5 साल में केवल 1 बार ही उन पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ये चीज़ सब जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ सभी के साथ ऐसा ही होता है। सेक्शन 20 कहता है ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम सभा 3 महीने पर किया जाता है, ग्राम पंचायत की बैठक 2 महीने पर, मतलब 2 ग्राम पंचायत की बैठक 2 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक 2 महीने पे ग्राम पंचायत का बैठक होना चाहिए। ग्राम पंचायत का बैठक का नोटिस सचिव निकालेंगे 7 दिन पहले, जिस दिन बैठक करना उससे 7 दिन पहले नोटिस निकालेंगे, उनके सदस्यों को पोस्ट के द्वारा या हैंड टू हैंड जाके उनको घर में जाके सचिव वो उनको इन्फॉर्म करेंगे, और जो ग्राम पंचायत का कार्यालय है वहीं पर उसका बैठक होगा। बैठक का सारा जो भी जो प्रस्ताव है जो उसका जो भी सब्जेक्ट होगा ये मुखिया जी के कहने पे सचिव जी तैयार करते हैं प्रस्तावों को और वो बैठक में रखते हैं। अगर इसका भी आगे पूरा मैं बताता हूँ तो हाँ, अगर किसी वजह से इसका अध्यक्षता भी मुखिया जी करते हैं, अगर मुखिया जी नहीं रहेंगे तो उप मुखिया करेंगे, और अगर मुखिया भी नहीं रहे तो आपस में से किसी एक को चुन के हम लोग अध्यक्षता करेंगे। एक इसमें एक चीज़ है कि अगर किसी वजह से ग्राम पंचायत के मुखिया जी और मुखिया जी दोनों पद एक साथ रिक्त हो गया हो, ठीक है, दोनों पद एक साथ रिक्त हो गया हो और ग्राम पंचायत का बैठक करना हो तो उसका फिर अध्यक्षता कौन करेगा, उसका कौन देखेगा, तो उसमें है कि उसके जितने भी सदस्य हैं उस सदस्य में से जो एक वरिष्ठतम सदस्य होंगे वो उसका अध्यक्षता करेगा। ये होता है तब जब वो दोनों किसी वजह से दोनों पद खाली हो गया है। एक होता है कि अब्सेंस, मतलब पद पे हैं लेकिन मान लीजिए बीमार हो गए,
बीमार हो गए, मंद मुखिया जी बीमार हो गए, ग्राम पंचायत का बैठक का सब कुछ हो गया है और जिस दिन बैठक होना है बीमार हो गए, गलती से उप मुखिया बीमार हो गए, उस केस में आपस में से किसी एक को चुन के बना दिया जाएगा। लेकिन अगर मुखिया जी भी नहीं है, परमंडल जी नहीं है और उप मुखिया भी नहीं है, तो उस केस में ग्राम पंचायत का कार्य कैसे चलेगा, अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस केस में जितने भी सदस्य हैं उस सदस्य में से जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे वो अध्यक्षता करेंगे। और जब तक उप मुखिया, चूँकि अगर मुखिया जी का तो इलेक्शन से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, उप मुखिया का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो जैसे उप मुखिया का सीट खाली होता है तो ये बी डी ओ साहब का काम है कि 15 दिन के अंदर में वो ग्राम पंचायत का बैठक बुलाएंगे और उप मुखिया का वो चुनाव करेंगे। तो जब तक वो नहीं होता तब तक का मैंने बताया कि परिश्रम से काम चलाना पड़ता है। सेक्शन 21 में कहता है गणपूर्ति, टोटल जितने भी सदस्य हैं उसके हाफ से उसका गणपूर्ति होता है, टोटल हाफ से। और अगर किसी वजह से गणपूर्ति नहीं होता है तो अगले सप्ताह के किसी दिन, अगले दिन या किसी दिन भविष्य में कोई ऐसा दिन जो कि अभी निर्धारित किया जाएगा, दोबारा हम लोग उसमें करेंगे और इसका गणपूर्ति सेकेंड टाइम भी कुल संख्या कुल सदस्य के आदि से ही होता है। सेक्शन 22 में कहता है ग्राम पंचायत के कार्य। हमारे एक्ट में, अधिनियम में टोटल ग्राम पंचायत को 31 कार्य दिए गए हैं, वैसे हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल्स 243G में और शेड्यूल 11 में दिया हुआ है कि हमको ग्राम पंचायत को 29 कार्य दिए हुए 29, लेकिन हमारे सेक्शन में, हमारे अधिनियम में कुल 31 कार्य दिए हुए हैं। ये क्या क्या है एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अभी इतना संभव नहीं है बताना क्योंकि लंबा चौड़ा है, इसको आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ देखिए टोटल 29 कार्य, 31 कार्य दिए हुए हैं। 23 ग्राम पंचायत कार्यों का आवंटन, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। 24 में ग्राम पंचायत की सामान्य शक्तियाँ, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 25 जो कि आप लोग डायरेक्ट लिंक में रखता है। सेक्शन 25 कहता है ग्राम पंचायत की अस्थाई समितियाँ, स्टैंडिंग कमेटी। ग्राम पंचायत के 6 अस्थाई समितियाँ होती है, 6 स्टैंडिंग कमेटी होता है, इसको नोट करते जाइएगा आप। 6 का मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति, नोट कीजिएगा सेक्शन 25 स्टैंडिंग कमेटी का 6 अस्थाई समितियाँ होता है। उसका पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति पहला, दूसरा हो गया उत्पादन समिति, दूसरा हो गया उत्पादन समिति, थर्ड तीसरा हो गया सामाजिक न्याय समिति, तीसरा हो गया सामाजिक न्याय समिति, फोर्थ शिक्षा समिति, फिफ्थ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, फिफ्थ हो गया लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, और सिक्स हो गया लोक निर्माण समिति, सिक्स हो गया लोक निर्माण समिति। ये कुल टोटल 6 समितियाँ होता है। अब मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ चूँकि इसमें आप लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सेक्शन 25 का 1 से लेकर 5 तक मैंने 6 बताया था सब सेक्शन, 6 समितियाँ होता है, दैट इज कॉल्ड सब सेक्शन। तो सेक्शन 25 का 1 से लेकर 5 तक जो सेक्शन है, मतलब योजना स्वयं वित्त समिति से लेके लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण जो ग्रामीण स्वच्छता समिति, इसमें कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य इसमें हो सकते हैं। इसके सदस्य इलेक्टेड मेंबर जो वार्ड मेंबर होते हैं उसी में से बनता है, इसके सदस्य होते हैं, तो मिनिमम 3 हो गया, मैक्सिमम 5 हो गया। इसके अलावा आप 2 को ऑप्ट कर सकते हैं, अगर कोई उस ग्राम पंचायत में उस समिति से संबंधित कोई प्रबुद्ध व्यक्ति है, पढ़े लिखे इंसान है, एक्सपीरियंस कोई है, तो आप ग्राम पंचायत स्टैंडिंग कमेटी अपने सहयोग के लिए 2 प्रबुद्ध व्यक्ति को ऑप्ट सहायता के लिए ले सकता है। योजना समन्वय वित्त समिति के अध्यक्ष हमेशा मुखिया जी होंगे, मुखिया जी इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब एक्स ऑफिसो चेयरमैन। योजना समन्वय वित्त समिति के अध्यक्ष मुखिया जी ही होंगे, ठीक है, इसको पदेन, पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिसो, मतलब कंपलसरी उन्हीं को होना है। और इस समिति के सचिव के रूप में पंचायत सचिव कंपलसरी है, एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी ऑफिस कमिटी।
पंचायत ग्राम पंचायत सचिव जो होते हैं इस समिति के पदेन सचिव होते हैं, पहला काम। दूसरा हो गया उत्पादन समिति। उत्पादन समिति में अध्यक्ष को भी हो सकते हैं जिसको मुखिया जी नॉमिनेट करेंगे, वो सदस्य में से ग्राम पंचायत जितने सदस्य में से किसी को जिसको मुखिया जी नॉमिनेट करेंगे अध्यक्ष के रूप में होगा, और सचिव के रूप में इसमें किसान सलाहकार ग्राम उस ग्राम पंचायत के जो किसान सलाहकार होते हैं वो इसमें सचिव के रूप में अपना रोल प्ले करेंगे। थर्ड हो गया सामाजिक न्याय समिति। सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष के रूप में उप मुखिया जी होते हैं, मतलब एक्स ऑफिसो पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस समिति के पदेन अध्यक्ष उप मुखिया होते हैं। सचिव के रूप में विकास मित्र, उस ग्राम पंचायत में काम करने वाले विकास मित्र जो होते हैं इस समिति के सचिव के रूप में होते हैं, और दो अन्य सदस्य जिसको मुखिया जी नॉमिनेट करेंगे। चार में हो गया शिक्षा समिति। अध्यक्ष कोई भी जिसको मुखिया जी नॉमिनेट करेंगे, सचिव के रूप में उस ग्राम पंचायत के मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर इसके सचिव के रूप में होंगे और अध्यक्ष जिसको भी नॉमिनेट करेंगे। चार पाँच हो गया आपका लोक स्वास्थ्य, पाँचवा हो गया लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, इसके अध्यक्ष को भी होंगे जिनको मुखिया जी नॉमिनेट करेंगे, और सचिव के रूप में उस ग्राम पंचायत में काम करने वाले ANM तो इसके सचिव के रूप में रोल प्ले करेंगे। एक से लेकर पाँच तक में हर एक समिति में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है, और सामाजिक न्याय समिति में सोशल जस्टिस समिति में एक SC/ST के सदस्य का होना अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। अध्यक्ष ने बता दिया, सचिव बता दिया, कंपलसरी बता दिया। उसके बाद जो सिक्स हमारा है लोक निर्माण समिति सेक्शन 25(6), इस समिति में उस ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं वो सारे इसके सदस्य होते हैं, उस ग्राम पंचायत के जितने भी टोटल सदस्य होते हैं वार्ड मेंबर इस समिति के सदस्य होते हैं, और मुखिया जी इसके एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं, और पंचायत सचिव इसके एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी होते हैं मतलब पदेन सचिव होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो समिति का मुखिया जी ही अध्यक्ष होंगे और एक का पदेन अध्यक्ष उप मुखिया होगा, सामाजिक न्याय समिति का पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सचिव दो के सचिव होंगे, और का मैंने बता दिया कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य तीन से अधिक किसी का मेंबर नहीं हो सकता है, मतलब एक सदस्य तीन समिति से अधिक में वो सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये हमारा था 25। इसमें आप लोग का जो मेन रोल है आपने बता ही दिया कि दो आपको दो में आप गाइड सचिव होंगे, उसके बाद इसका मीटिंग मंथली करना है, स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग मंथली करना है, और स्टैंडिंग कमेटी का बैठक का आयोजन आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। बेशक सचिव के रूप में वो रोल प्ले करेंगे लेकिन आयोजन करवाना ये दायित्व ग्राम पंचायत सचिव का ही होता है, ऐसा नहीं कि अपना दो समिति का करवा दिए और का छोड़ दिए, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये एक्चुअली में ये DM का अधिकार है कि औरों का सचिव बनाना DM का अधिकार है, लेकिन हमारा विभाग से जो गाइडलाइन गया हुआ है लेटर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर का गया हुआ है उसमें ये इतना को नॉमिनेट कर दिया गया हुआ है कि ये DM साहब इसको नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उसका मंथली मीटिंग जो होगा ये आप लोगों आयोजन करवाने का ये रखना पड़ेगा ध्यान, इसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और कुछ सेक्शन 26 कहता है ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि कोई मतलब नहीं है, अभी हमारा क्रियाशील नहीं है उतना। सेक्शन 27 ग्राम पंचायत द्वारा कारोबार और टैक्सेशन, ग्राम पंचायत को हमारे एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है कि टैक्स लगाने का अधिकार है, हमारा रूल्स अभी तक नहीं बना हुआ इसीलिए अभी तक ये साइलेंट मोड में है, जब हमारा रूल्स बन जाएगा तभी हमारा ये सेक्शन क्रियाशील हो जाएगा। सेक्शन 28 कहता है पंचायतों को वित्तीय सहायता, ग्राम पंचायतों को और पंचायतों को अपने कार्य को निर्वहन करने के लिए जो उसको दिया गया है संविधान के द्वारा हमारे एक्ट के द्वारा उन अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए उनको वित्तीय सहायता देना अनिवार्य है, और हमारा स्टेट फिनांस कमीशन जो बना हुआ है जो कि ग्राम पंचायतों का अध्ययन करता है सर्वेक्षण करता है और रिपोर्ट देता है उस बेसिस पे फिर ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दिया जाता है उनके कार्य करने के लिए। अभी आपको पता होगा कि हमारा
दो काम हो रहे हैं हमारे ग्राम पंचायतों में, जिसका फंड हमारा 14 फिनांस का और 5th SFC का स्टेट फिनांस कमीशन के पैसा दिया हुआ है, और हम लोगों का काम यही हमारे एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है कि ग्राम पंचायतों को अपना कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता देना आवश्यक है। ये हमारा सेक्शन 28 कहता है। सेक्शन 29 कहता है ग्राम पंचायतों को बजट, ग्राम पंचायत को अपना बजट बनाने का भी अधिकार दिया हुआ है। आप हमारा जब सेक्शन 22 पढ़ेंगे, मतलब ग्राम पंचायत के कार्य, तो उसके सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना, कि मतलब हर एक, जैसे हम लोग जीपीडीपी पर भी काम कर रहे हैं, लास्ट ईयर आप लोग आ गए होंगे, काम किए हैं, अभी भी हम लोग का काम चल रहा है। तो ये हमारा एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ, हमारा एक्ट के सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि ग्राम पंचायतों को अपने वार्षिक बजट बनाने का अधिकार है। सेक्शन 30 कहता है लेखा, अकाउंटिंग। हमारा एक्ट में ये दिया हुआ है कि हमारा विहित प्रपत्र के द्वारा विहित रीति से हमारा लेखा का संधान करना है, और ये ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल और आपको बताया जाएगा, कल बताया जाएगा इसमें कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन आप ये समझिए कि हमारा एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है कि हमारे ग्राम पंचायतों का लेखा विहित प्रपत्र में विहित रूल्स के द्वारा उसको हम लोगों को करना है। सेक्शन 31 संपरीक्षा ऑडिट, CAG के द्वारा हम लोगों को या CAG के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत किसी संस्था के द्वारा हम लोगों को ग्राम पंचायतों का ऑडिट कराना कंपलसरी है, अनिवार्य है, हो भी रहा है, और इसके बारे में डिटेल आपको कल बताया जाएगा। सेक्शन 32 कहता है ग्राम पंचायतों का स्टाफ, ग्राम पंचायतों को अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए, पूरा करने के लिए उसको स्टाफ सरकारी कर्मी का सहायता दिया जाता है, और इस स्टाफ के रूप में जो पंचायत सचिव होते हैं वो इसी सेक्शन के तहत वो काम करते हैं। ग्राम पंचायतों को अपने कार्य करने के लिए जो स्टाफ दिया जाता है, और पंचायत सचिव के रूप में जो स्टाफ दिया जाता है वो इसी सेक्शन के द्वारा उनको दिया जाता है। सेक्शन 33 कहता है ग्राम रक्षा दल का गठन, ये हमारा एक्ट में दिया हुआ है, ये लेकिन अभी क्रियाशील नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि उस ग्राम पंचायत के कोई भी 18 से लेकर 30 साल तक के नवयुवक जो कि शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो, ये एक दलपति के अंतर्गत कार्य करते हैं, और इनका कार्य है कि उस ग्राम पंचायत में किसी भी तरह का महामारी हो, बाढ़ हो, पुल टूटना हो, चोरी हो, डकैती हो, या किसी भी प्राकृतिक आपदा होता है, तो उस स्थिति में ये ग्राम पंचायत को सहायता देते हैं। अगलगी हो, बहुत तरह का होता है, बाढ़ हो, तो जितने भी प्राकृतिक जो आपदा आता है उसमें ये उस टाइम में हमारे ग्राम पंचायत को ये सहयोग देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हमारा सेक्शन था ग्राम पंचायत के बारे में, टोटल 33 सेक्शन में बता दिया। उसके अलावा एक और है, एक है हमारा 170 सेक्शन 170A 170 कॉ, नोट कर लेंगे, इसमें नहीं है 170 कॉ, इसमें है कॉ में वार्ड सभा। जैसे हम लोग ग्राम सभा करते हैं उसी तरीके से वार्ड सभा करना अनिवार्य है। वार्ड सभा के बारे में बताता हूँ कि वार्ड सभा क्लियर है, वार्ड का सभा होता है, जो मैंने बताया था कि 500 के जनसंख्या पर एक वार्ड होता है, उसका एक सभा होता है, और उस वार्ड के निर्वाचक नामावली में दर्ज जितने भी वोटर हैं वो उस वार्ड सभा के सदस्य होते हैं, और जो वार्ड मेंबर होते हैं इस सभा का अध्यक्षता करते हैं। इनका भी 3 महीने पर एक मीटिंग होना अनिवार्य है, जैसे ग्राम सभा 3 महीने में करना अनिवार्य है, उसी तरीके से इसको भी, वार्ड सभा को भी हर एक 3 महीने पे करना अनिवार्य है। बस ध्यान में ये रखना है कि ग्राम सभा होने से पहले वार्ड सभा हो जाना चाहिए, क्योंकि वार्ड सभा से जो भी दिया जाता है प्रस्ताव दिया जाता है, चूँकि वार्ड सभा से जो भी प्रस्ताव, चूँकि वार्ड सभा को खुद पावर नहीं है अपने कामों करने के लिए, तो ये वार्ड सभा से जो प्रस्ताव लेंगे वो ग्राम पंचायत को जाएगा, और ग्राम पंचायत फिर उसको ग्राम सभा में लाएंगे, और ग्राम सभा के स्वीकृति के द्वारा वार्ड सभा के जो अनुशंसा जाएगा उस पर जो फुल जो फाइनल जो मुहर लगता है वो ग्राम सभा में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वार्ड सभा हमेशा ग्राम सभा से पहले होना चाहिए, ताकि इसी के अनुशंसा पे फिर ग्राम सभा कार्य करता है। इसमें कोरम का है कि टोटल जितने भी उसके सदस्य हैं उसके 10% या मिनिमम 50 सदस्य से इसका गणपूर्ति होता है इसका, और इसका जो सूचना है वो 7 दिन पहले, जैसे मैंने बताया था ग्राम सभा में 15 दिन पहले, सामान्य में 15 दिन पहले, और विशेष आपात में 3 दिन पहले, उसी तरीके से वार्ड सभा
में 7 दिन पहले नोटिस सूचना जाता है और विशेष या आपात में 3 दिन पहले, जो मैंने बताया था आपको ग्राम सभा में इसी तरीके से यहाँ भी होता है। वार्ड सभा के द्वारा उस वार्ड सभा के द्वारा उस वार्ड के कोई भी एक 10वीं पास आदमी को हम लोग वार्ड सचिव के रूप में मनोनीत करते हैं। वार्ड सभा के द्वारा उस वार्ड के अंतर्गत कोई भी एक पढ़े लिखे जो कि 10वीं पास हो उसको हम लोग वार्ड सचिव के रूप में मनोनीत करते हैं। ध्यान ये रखना है कि वो वार्ड सचिव जो होगा वो किसी वार्ड मेंबर का या पंच का या किसी भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका वो संबंधी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव नहीं होना चाहिए। वो उसको हम लोग सचिव के रूप में मनोनीत करता है और इन सचिव का जो वार्ड सचिव है इनका काम है कि वार्ड सभा का आयोजन करना, नोटिस निकालना, प्रोसीडिंग्स जो होता है अपना वार्ड सभा का जो प्रोसीडिंग्स होता है वो लिखना और जितने भी हमारा वार्ड सदस्य हैं उनसे हस्ताक्षर लेना, सिग्नेचर करवाना, ये उनका काम होता है। तो ये हमारा वार्ड सभा हो गया, ये इतना ही है। 3 महीने पहले बताया दिया, कोरम बताया दिया, अध्यक्षता बता दिया। अगर किसी कारणवश वार्ड सदस्य वार्ड सभा का आयोजन करने में विफल रहता है, वो नहीं करवा रहा है, तो मुखिया जी का कर्तव्य बनता है कि मुखिया जी खुद नहीं तो अपने बदले में उप मुखिया को वो बोलेंगे कि वो वार्ड सभा का आयोजन करवाएगा और अध्यक्षता भी करेगा। अगर वार्ड सभा नहीं करता है वार्ड मेंबर तो मुखिया जी या मुखिया जी के कहने पे उप मुखिया आयोजन करवाएगा और अध्यक्षता भी करेगा उसका। अगर मुखिया जी और मुखिया भी नहीं संज्ञान में लेता है, नहीं करता है, तब ये पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी मतलब BDO साहब का कर्तव्य बनता है कि वो वार्ड सभा का आयोजन करवाएंगे। ये हमारा वार्ड सभा जो कि हमारा सेक्शन 170 क में करता है। फिर हमारा आता है सेक्शन 170 ख 170B, ये हमारा है WIMC वार्ड इम्प्लीमेंटेशन एवं मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। आप लोग इससे अवगत होंगे अच्छे तरीके से। ये जो एक 7 सदस्य एक समिति है, ये जो समिति है WIMCA की, ये 7 सदस्य, इसमें 7 मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं बताता हूँ कि इस जो 7 सदस्य मेंबर होते हैं इसके अध्यक्ष के रूप में वार्ड मेंबर जो हैं वहाँ के उस वार्ड के जो वार्ड मेंबर हैं जिसको हम लोग ग्राम पंचायत सदस्य भी बोलते हैं। अगर आपको ग्राम पंचायत सदस्य बोले तो आप उसको वार्ड मेंबर भी समझिएगा, क्योंकि हमारा एक्ट में दोनों चीज दिया हुआ है। ग्राम पंचायत क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य को हम लोग वार्ड मेंबर कहते हैं। तो WIMCA का अध्यक्ष के रूप में वार्ड मेंबर होते हैं और उस वार्ड के अंतर्गत जो पंच होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, मतलब एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे इस समिति के। और जो वार्ड सचिव होता है वो इस समिति का पदेन सदस्य सचिव होंगे, मतलब 7 में से ये 3 कंपलसरी हो गया, वार्ड मेंबर अध्यक्ष, पंच सदस्य और वार्ड सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे। उसके अलावा उस ग्राम पंचायत उस वार्ड के अंतर्गत काम अगर कोई जीविका का संगठन काम कर रहा है या कोई SHG ग्रुप काम कर रहा है तो उसका एक प्रतिनिधि होगा, इसमें मेंबर होंगे। उस वार्ड में उपलब्धता के हिसाब से एक SC ST का एक कोई रहेंगे, इतना रहेंगे। और इसमें ये ध्यान रखना है कि इस समिति में कम से कम 3 महिला होना अनिवार्य है, इस समिति में कम से कम 3 महिला अनिवार्य है। और इनका भी कोरम होता है, 4 सदस्य से इनका कोरम पूर्ति होता है, मतलब 7 में से कम से कम जब 4 सदस्य बैठेंगे मीटिंग में तब इसका कोरम पूरा होता है। इनको साप्ताहिक मीटिंग करना होता है, वीकली। अगर ये वीकली करने में असफल हैं तो इनको महीने में कम से कम 2 करना अति आवश्यक है, 2 करना ही है। ये जो समिति है इसका कार्यकाल है 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए होता है, 2 साल के बाद फिर ये उसको पुनर्गठन किया जाता है। तो ये हमारा WIMCA है। आपको पता होगा कि WIMCA को अभी हमारे जो सरकार के 7 निश्चय में से 2 निश्चय जो हमारे विभाग को दिया गया हुआ है, ये दोनों निश्चय अभी हमारा WIMCA के द्वारा कराया जा रहा है, अभी तक ये दिया जा रहा है। आगे भविष्य में कुछ ग्राम पंचायतों को और कोई कार्य मिलता है तो ग्राम पंचायत को अधिकार है, सरकार को ये अधिकार है, उनको इस तरह का कोई और काम दिया जा सकता है। तो ये हमारा WIMCA है।
तो मैंने बता दिया आपको कि ये टोटल जो हमारा सेक्शन 3 से 33 और सेक्शन 170 क ख ये हम लोगों के लिए ग्राम पंचायत के बारे में बताता है, और इसमें हम लोग जिसमें हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व आपका रहेगा इन्वॉल्वमेंट उसके बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा मैं कुछ कुछ जो बुलेट पॉइंट है मैं बताता हूँ कि आपका इसमें क्या योगदान रहेगा, सेक्शन वाइज मैं बता दिया। उसके अलावा ये है कि आप ग्राम पंचायत के कार्यालय के कस्टोडियन होंगे, जितने भी ग्राम पंचायत के जितने भी रजिस्टर हैं, पंजी है, मास्टर पंजी है, जो भी है, चेकबुक, कैश बुक जो भी है, उसका आप कस्टोडियन रहेंगे। आप रेगुलर आप कार्यालय आएंगे, आपका अब्सेंटी मुखिया जी के द्वारा वीडियो साहब को भेजा जाएगा। हर एक महीने के 20 तारीख को मुखिया जी का ये अधिकार है कि अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम करने वाले कर्मी का वो 20 तारीख को अब्सेंटी कार्यपालक पदाधिकारी को भेजता है। अगर वो भेजने में असफल है फिर वो कार्यपालक पदाधिकारी खुद संज्ञान लेते हैं। उसके बाद ये जितना काम करना था मैंने बता दिया आपको, अब क्या काम आपको नहीं करना होगा उसके बारे में बताता हूँ कि आपको ग्राम पंचायत का वित्तीय अधिकार, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल और स्टैचुटरी मतलब वित्तीय एवं वैधानिक अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत में जो कार्य होता है तो मुखिया जी और सचिव ये संयुक्त हस्ताक्षर से कोई भी कार्य होता है, निकासी होता पैसा का, ज्वाइंट सिग्नेटरी होता है, लेकिन आप लोगों को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप सिग्नेटरी नहीं होंगे, आपको सिग्नेटरी पावर नहीं दिया जाएगा। एक ये हो गया, और जितने भी वैधानिक अधिकार है स्टैट्यूटरी पावर वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये जो भी है बाद में आपको गाइडलाइन निकलेगा, लेटर निकलेगा कि क्या क्या आपको काम करना है, क्या नहीं करना है, मैंने बता दिया आपको। तो ये हमारा सेक्शन वाइज था, इसका मटेरियल भी आपके पास जा चुका है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका जो भी कार्य है इसी जो सेक्शन में बताया इसी के हिसाब से आपको काम करना है। अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टाइप करके भी हमको पूछ सकते हैं, टाइप करके एक है क्योंकि ये तो वन वे कम्युनिकेशन है, इस पर तो ज़्यादा कुछ हम आपका प्रॉब्लम नहीं ले सकते हैं, वन वे है ये जो मैं बताना चाहता हूँ बता दिया आपको। टाइप करके आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर कोई पूछना चाह रहा है पूछ सकते हैं कोई एक का? हाँ सर, ये बांका से हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बांका। ये क्वेश्चन है कि सर जब हमको साइन करने का अधिकार नहीं मिल रहा है सर, तो पंचायत में एक होती है क्या कि जो है जब अधिकारी नहीं है साइन करने का तो एक इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं देता है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। वो विभाग का टेंशन है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए आप। आपको सब कोई जो आपको काम दिया जाएगा उस पर आपको पूरा अधिकार रहेगा और आपका वैल्यू हर कोई देगा, आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। हाँ, इसलिए ये सब छोटा मोटा चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए, जो मैंने बताया उससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है समझ उस पर आप क्वेश्चन रेज कीजिए। मैंने बता दिया आपको कि ग्राम सभा का आयोजन में पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जो सेक्शन 3 से लेकर 10 तक मैंने बताया उसमें आपका पूरा अधिकार है, वो सारा कुछ आपको ही करना है, उसका नोटिस निकालना, जो प्रस्ताव बनेगा उसके बारे में मुखिया जी से बैठ के डिस्कस करना, ये आपका अधिकार होगा। उसके बाद मैंने बताया कि सेक्शन 22 सेक्शन आपका 20 ग्राम पंचायत का बैठक मीटिंग इसमें पूरा आपका काम रहेगा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो ये सब जो है जिसमें कि डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि रेगुलर ग्राम सभा का आयोजन नहीं हो पा रहा है, उसको करवाना है, स्टैंडिंग कमेटी का रेगुलर मीटिंग करना है, महीने में एक बार उसका कंपल्सरी है,
उसको भी करवाना है। तो इन सब कामों के लिए आप लोग का सहयोग लिया जाएगा कि जो हमारे एक्ट में जो हमारा प्रोविजन दिया हुआ है वो किस तरीके से हम लोग उसको लाएं, पूरा करें। तो ये अभी आपको पता होगा कि पंचायत समिति जो हमारे जो सचिव हैं वो अभी 4-5 ग्राम पंचायत पे एक सचिव हैं और उनका पूरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है काम पे, क्योंकि आप देखेंगे जब निगरानी समिति की बात कर रहा हूँ तो हर एक वार्ड लेवल पर निगरानी समिति बनता है और उस निगरानी समिति का मीटिंग बुलाना, मीटिंग करवाना, उसका प्रोसीजर देखना, ये सारा काम उनका सचिव का होता है, ये आप लोग का होगा। क्योंकि खुद सचिव जो है वो 4-5 पंचायत के प्रभार में रहते हैं और एक पंचायत में कम से कम मिनिमम रख के चलिए तो 11 या 14 या 15 वार्ड होते हैं, उस वार्ड का निगरानी समिति होता है, उसका मंथली मीटिंग होता है, निगरानी समिति का मंथ में एक मीटिंग करना आवश्यक है, मंथली मीटिंग होता है तो उसमें भी सचिव का होता है, तो उनका काम ज़्यादा है लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए उनके इस काम को जो नहीं हो रहा उसको करने के लिए ये विभाग द्वारा हमारे माननीय प्रधान सचिव महोदय के लिए निर्णय लिया गया है कि आप लोग को ये दायित्व दिया जाएगा ताकि हमारा ग्राम पंचायत का जो ऑब्जेक्टिव है क्रियाशील हो सके, जो हमारा सपना है वो पूरा हो सके। तो मेन इसी वजह से ये प्लानिंग किया जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ है जो हमारा आपको पता है कि फिनांशियल ये हमारा स्टैट्यूटरी पावर ये उन्हीं को दिया जाएगा जो सरकार के एक कर्मी होते हैं, जो मैंने बताया कि सेक्शन 28 के द्वारा जो नॉमिनेट होते हैं, जैसे पंचायत ग्राम पंचायत को स्टाफ दिया जाता है सेक्शन 28 में बताया था, वो पंचायत सचिव के रूप में है। तो कुछ कुछ अधिकार जो है वो केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उन्हीं के होगा, और रिमेनिंग जो भी है मैंने आपको बता दिया। तो इसीलिए आपको जो मटेरियल दिया हुआ है मटेरियल ठीक से पढ़ लीजिएगा आप लोग, WMC को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा क्योंकि WMC का जो कार्य दिए हुए हैं और वार्ड मेंबर का जो वो हो नहीं रहा है कम्प्लीट, उनको वीकली मीटिंग करना है नहीं हो पाता है, अगर वीकली नहीं करेंगे तो फोर्टनाइटली करना है नहीं हो पाता है, तो ये सब करवाना आपका जिम्मेवारी होगा। हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताइए? सर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। हाँ बोलिए सर। एक क्यूरी है सर, जैसे सर के द्वारा बताया गया है जो सर जैसे वार्ड का है जैसे संचिका लिखना जैसे मीटिंग का, तो सर हम लोग के TUR के तो विरुद्ध हो जाएगा ये ग्राम ग्राम सभा का आपको सदी चार पंचायत की नियुक्ति हुई है तो सर बुक्स जैसे हम लोग का TUR में है बुक्स ऑफ अकाउंट्स WIMC का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी क्लियरिटी कैसे होगी और उसका रिकॉर्ड कैसे अच्छा से रखा जाएगा? हम लोगों को सर मेन प्रॉब्लम जो TUR में है वो तो काम है जैसे सर के द्वारा बताया जा रहा है तो सर जैसे मीटिंग लाना उसका प्रोसीडिंग लिखना जैसे सर के द्वारा बताया चार पंचायत में पंचायत सचिव है पंचायत सचिव का काम है उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है सदा के अभाव में या वो 4-5 पंचायत के चार्ज में है इसलिए, तो ये चीज सेम चीज तो सर हम लोग के साथ भी हुआ क्योंकि हम लोग तो वो तो अभी मजबूरी में चार के चार्ज में है, कहीं कहीं ऐसे भी है जो एक में है दो में है लेकिन हम लोग तो सर चार में है ही और वो लोग तो सर ऐसे भी पंचायत सेवक है और जिले में जो किसी एक ही पंचायत के हैं दो के हैं तीन के हैं मैक्सिमम 4 और 5 के हैं, आप हम लोग तो सर मिनिमम 4 के हैं मैक्सिमम 5-6 है, नहीं तो ऐसा ध्यान रखा जाएगा पहले तो आप आराम से बोलिए, बहुत तेजी से बोल रहे हैं आराम से बोलिए। आपका प्रॉब्लम समझ गया, ये सब ध्यान जब आपको प्रभाव दिया जाएगा तो इसके ध्यान रखा जाएगा ठीक है, जब अगर ये नहीं तो फिर तो पहले की तरह हो जाएगा, ये सब चीज़ ध्यान में रखा जाएगा, इसका आप इसका टेंशन ना लें, उस सारा चीज़ ध्यान रखा जाएगा तब आपको दिया जाएगा ठीक है। बस हम जो